उसकी हालत खराब हो रही है। अल्लाह ये अंधेरा क्यों हो गया, मैं इतना ऊपर आ चुकी हूँ, मेरी सांस नाक सब बंद हो गई थी। यहाँ का व्यू ये है और ये पता नहीं क्यों ये हिल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तू बुर्ज खलीफा में बैठी है, सोच। ओह माय गॉड, मैं बुर्ज खलीफा में हूँ। ये टल्ली हो गया, ये देखिए आप नंगे पैर चल रही है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने होटल पे और यहाँ पर आने के बाद अभी मैंने सबसे पहले अपना मेकअप थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब चेंज नहीं, लाइनर नहीं लगा रखा था, थोड़ा सा आई शेडो थोड़ा डार्क किया है और थोड़ा मतलब मेकअप में चेंज किया है। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, मतलब अपने कपड़े चेंज करने बुर्ज खलीफा जाने के लिए, क्योंकि मुझे वहां पर पिक्चर्स क्लिक करवानी है और थोड़ा सा यार अलग लुक करना है। यहाँ पर तो मैं ऐसी कैजुअल बनकर चली गई थी ऐसी उठकर। तो चलते हैं यहाँ से, अभी मैं अपनी आउटफिट को आपको दिखा दूँ कि मैं क्या पहनने वाली। मैं अभी ब्लैक पहनने वाली, बड़े दिनों बाद ब्लैक पहनने वाली हूँ यार। ऐसा लग रहा था कितने टाइम से ब्लैक देखा ही नहीं है, और जबकि मैं अपने दो तीन आउटफिट्स ब्लैक कलर में लेकर आई हूँ। यह इसका टॉप जो कि मुझे पहनना है अभी, टॉप ये टॉप है और इसके नीचे ये स्कर्ट है जो कि आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा सही से, मतलब ये हाफ पे स्कर्ट है, मतलब दिखेगा आपको जब मैं पहनूंगी ना। तो चलो जल्दी से इसको चेंज करते हैं, और अंदर में थोड़ी लाइटनिंग प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर करना। और मैं अभी खा रही थी ये कुरकुरे, और आज दुबई में गाइस नेशनल डे है। हाँ आज नेशनल डे है, जिसकी वजह से जो ना बुर्ज खलीफा पे इतना सही व्यू, मतलब इतना मजा आ रहा है सबको, इतना शोर हो रहा था। तो हम तो पता नहीं देख पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी आपको देखते हैं वहां जाकर, हमें पता चलता है, पता चलेगा। हमने जो बुकिंग की है हमारी कितने बजे की है, हम लोग डाउन टाउन में रह रहे हैं, बिल्कुल पास में बुर्ज खलीफा, बिल्कुल पास में जाते हैं, क्योंकि रोज इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे और भी प्लान्स बन जाते हैं, और हम कल और परसों और हैं यहाँ पे, फिर हम चले जाएंगे। तो हमारा कल का प्लान कुछ और है, कल के व्लॉग में देखना। अभी का प्लान जो भी है वो आपको मेरा, क्योंकि कल से व्लॉग चल रहा है ना, तो अभी आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ पे क्या देख रहे हो, कितना भी व्लॉग पे पहुंचे हो अभी। तो सारी सीरीज जगह भी दूर है, हम लोग को टाइम लग जाता है। और मेरी दुबई की सीरीज जितने भी लोग सब शुरू से देखते आ रहे हैं, और आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि हाँ हम शुरू से देख रहे हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट से। चलो मैं इसको खा लेती हूँ। ये कुरकुरे मैंने यही लिया था वैसे, आकर देखो उस पर उर्दू में लिखा हुआ है, पता नहीं कितने का तो था। और हम जो वो बोटिंग वाले पे गए थे ना, उस बोटिंग में ना सिर्फ आपको 1 दिरहम लगता है, 2008 से पहले से बना हुआ है ये, और ये अभी तक 1 दिरहम ही लगता है। मतलब हाँ, कोई भी एक बंदा चाहेगा ना, एक बंदे का 1 दिरहम जब आप बैठोगे बोट पे, आपसे उसी टाइम ले लेंगे पैसे। इंडियन रुपीज में आप 1 को 24 से कर दो तो भाई 23-24 रुपए हो गए। तो मतलब यार ये प्राइस चेंज नहीं होता, और ये लोग अपनी उस चीज को बदल ही नहीं रहे, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे देखने में। और ये ज्यादातर ये वो लोग करते हैं जो काम के लिए आते हैं, घूमने के लिए नहीं। डिस्टेंस ये है कि अगर आप बोट से जाओगे तो 3 मिनट का रास्ता, अगर आप गाड़ी से जाओगे तो 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर बोट से जाओगे 3-4 मिनट के अंदर आपको यहाँ से इधर पहुंचा देंगे। जैसे कि एक ही जगह ये है, एक जगह ये है, तो आपको इन दोनों में जैसे ट्रैवल करना है ना, तो वो इसका काम करता है। बहुत सही लगा मतलब मुझे तो। हम तो सिर्फ ट्राई करने के लिए गए थे, हमारी गाड़ी इधर थी, हम इधर से इधर गए और फिर इधर से फिर इधर आए और फिर इधर से यहाँ आए। अभी लो अब हम जल्दी से मिलते हैं आपको। मैंने अब ज्यादा ही थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर ली, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ कि आप लोग पूछोगे फिर कि क्या मैं बोलना चाहती थी। चलो जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग निकल रहे हैं बुर्ज खलीफा के लिए, तो चलो चलते हैं। कान बंद हुए, इतना ऊपर से आई हूँ नीचे, ये देखो मेरी ड्रेस। गाइस मैं कैसे लग रही हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं आपको पूरा लुक अपना दिखा दूंगी कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ। ये मेरा पता है सुबह वाला मेकअप है, मैंने सुबह किया था ना, उसको बस थोड़ा चेंज किया, बस ये नहीं कि मैंने उतार कर पूरा किया है, तो इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा होगा, लेकिन मैं अब फ्रेश फील कर रही हूँ बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है जहाँ तक। ये क्या कर रही हो तुम? देखो यही करती रहती है ये पूरे टाइम, मेरे कपड़ों से अपना गंदा फोन साफ कर रही है, और मैं फिर से अपने नेल्स दिखा रही हूँ कि मैंने नेल्स लगा लिए। ये है मेरी हील्स जो कि मैंने पहनी आज, पिंक हील्स, पिंक हील्स, पिंक पिंक बाबी हील्स। और ये देखो इसको फुल ब्लॉगर, यहाँ पे हमारी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। ये आज नेशनल डे है तो बुर्ज खलीफा मुझे मेरे सामने दिख रहा है बिल्कुल, ये देखो इसी में जाना है हमें अभी। और चलो चलते हैं जल्दी से, मैं आपको अपने नेल्स दिखा देती हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमें मिल चुकी है कैब। आ चुकी हूँ दुबई मॉल, और अब दुबई मॉल से ही हमें, मतलब यहीं पर ही बुर्ज खलीफा है तो इसी से एंट्री हो सकती है बुर्ज खलीफा के अंदर, क्योंकि हमें अभी एट द टॉप जाना है बिल्कुल ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर से ही हम जा सकते हैं। तो अभी हम दुबई मॉल आ चुके हैं, ये देखो। मुझे ना चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे, मैं शू पर्सन हूँ और मुझे हील्स बिल्कुल भी, मतलब मैं नहीं चलती हूँ, मैं पहनती ही नहीं हूँ हील्स बिल्कुल भी। तो यार इसी से ना मुझे, अभी मैंने पहन लिया, अब मैं पता नहीं कब तक चल पाऊँगी, बहुत वो हो रहा है, दिक्कत हो रही है बहुत। गाइस यहाँ पे मिल गया है मुझे एट द टॉप बुर्ज खलीफा जाने का पास।
चलो अब चलते हैं यार। इतना मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है मेरे पैरों की वजह से, क्योंकि अभी इतना चल के दूर आना पड़ा है। अभी इतना दूर आई हूँ मैं भैया, गलती कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ, आउटफिट पे पहनना ही था ये, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। और ये बुर्ज खलीफा यहाँ पर भी है, लेकिन अब हम रियल वाला देखेंगे पास से। और ये अंदर जाने का पूरा रास्ता है, पहले हमारी चेकिंग हुई है पूरी। फाइनली ऐसी जगह आई जहाँ पे चलना नहीं पड़ रहा है, इसके तो पैर टूट गए भाई। चलो चलो, ये लोग वापस आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं। तो भीड़ इतनी ज़्यादा ना कि हम बार बार खो जाते हैं। ये लंगड़ी हो गई यहाँ, चप्पल उतार लो, हाथ में ले लो, जब तक दोनों निकाल दो। निकाल लिया, इज्जत करती है बुर्ज खलीफा की। हम आ चुके हैं बुर्ज खलीफा के अंदर और ये है फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। ओह माय गॉड, मतलब ऊपर से इतना नीचे जाएंगे ना, पैरों की हालत देख लो मेरे। मैं अभी एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा यहाँ पे खड़े होने से दिखता है ऊपर। ये देखिए यार क्या बनाया चलो हम आ चुके हैं ऊपर और ऊपर जा रहे हैं यार। कितना ऊपर जाएंगे पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो, देखने वाले हैं हम कुछ ही देर में अपनी ये रियलिटी, अपनी नहीं ये दुनिया, अलग दुनिया, बुर्ज खलीफा की दुनिया। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। हमने तो हमेशा ऐसे कभी देखा ही नहीं था यार, मतलब हमेशा सोचा था कि हाँ, सुना था कि हाँ ऐसा होता है, पहली बार आज देख भी लेंगे इंशाल्लाह। चलो चलें। लोगों ने कहा है कि ऊपर जाने पे बिल्कुल कान वान बंद हो जाते हैं, कि इतना ऊपर लेकर जाते हैं, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है। 2008 में इतना बना था, 2009 में इतना बना था, इतना तब जाकर इनका ये इनको मिला है। ये देखो इन लोगों ने किया है, बना था 2009 तक, 8 तक। अभी भी हमें लंबा चलकर जाना है यहाँ से, हमें लंबा चल के जाना है यहाँ पर से, क्योंकि पता नहीं सबसे ऊपर जाना है तो टाइम तो लगेगा। और अंदर हम आ चुके हैं बुर्ज खलीफा के, तो भी सोचा ही था यार। अभी मैं पता है बाहर थी, लगा था कि पता नहीं कैसे जाएंगे, इतना दूर पे है, और अब पता चला कि मॉल के अंदर से ही रास्ता था यहाँ पे आने का। गाइस हम अकेले हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं है, और यहाँ पे कान बंद हो जाएगा ऊपर, उन्होंने बोला बहुत गंदा। शिट, ये अंधेरा क्यों हो गया, इसकी हालत खराब हो रही है। अल्लाह, 63 मेरे कान, प्रेशर आ रहा है, मैं कान बंद, कान बंद, कान बंद, दिक्कत हो रही है मुझे। 83, 86, ओ शिट, मेरे कान से आवाज आ रही है। Welcome to level 1, 2, 4. Please go to the stairs, go one level up, then come down to the terrace. 3, on your left. Let's go. यकीन नहीं आ रहा यार, मेरे को यकीन नहीं आ रहा, मैं इतना ऊपर आ चुकी हूँ, मेरी सांस नाक सब बंद हो गई थी। बहुत अलग एक्सपीरियंस था यार, बहुत अलग, मुझे इतना डर लग रहा था ना यार। गाइस हम पहुंच चुके हैं सबसे टॉप पे, और ये 124th फ्लोर है, और यहाँ से पूरा दुबई दिख रहा है मुझे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये सब कुछ दिख रहा है, इतना ऊपर में यार क्या बताऊँ। और ये पूरी जगह हम यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ, यहाँ से देखो, यहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, मैं भी करवाऊँगी। हमें जो प्री इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि अगर आपको ऊपर जाने पर थोड़ा भी कान वान बंद होता है, आपको प्रेशर आता है कानों पे, तो आप 3 दबा देना। और भाई ये सुनकर तो मुझे इतना डर लगा कि यार ये कैसे, क्या ही होगा, लेकिन चलो डर तो लगा, लेकिन हम लोग आ गए, चलो आगे चलते हैं। हिल्स मैंने निकाल दी है, यहाँ का व्यू ये है, और ये पता नहीं क्यों ये हिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे यार क्यों हिल रहा है ये, का फुल व्यू जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये रोड्स देखो, गाड़ियाँ चल रही हैं, कितना अलग लग रहा है। यहाँ पे आकर हम अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठकर। ये देखो, तो हम एक और फ्लोर ऊपर जा रहे हैं स्टेयर्स से, और हमने थोड़ी सी पिक्चर्स ली यहाँ पर क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है। हाँ यहाँ पर बहुत अच्छी फोटो चाहिए, लेकिन हम नीचे आकर ले लेंगे अभी आने टाइम में। ये देखो काफ़ी लंबी स्टेयर्स है, ये ऊपर कान वान बंद नहीं होता होगा, अगर फुल्ली एसी है वैसे तो नहीं होता। पिक्चर्स अच्छी आ रही थी यार यहाँ पर, मेरे तो
आउटफिट को मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर जाकर ये कौन ही रहता होगा पता नहीं यहाँ पे। बस अब हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं, हमारे पैकेज में कुछ खाना भी इंक्लूड था तो चलो हम खाना भी खा लेते हैं और भूख बहुत ज़्यादा वैसे भी लग रही है और रात के बज रहे हैं 11:50 तो चलो जल्दी से कुछ खाते हैं। तू बुर्ज खलीफा में बैठी है सोच। ओह माय गॉड, मैं बुर्ज खलीफा में हूँ। ये इसकी तो बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होगा ना, मन कर रहा है हर फ्लोर पे देखने का। हमने तो भैया ऊपर टेक्निकल लिया था ना, खाली बार बैठी हूँ यहाँ पर। अब गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ और अब मैं हूँ बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने। यस, ये रहा और यहाँ हूँ मैं और हम दोनों, और हम लोग थोड़ा सा भी यहाँ पर रेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे पैरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है तो मैं और उसको तंग नहीं करना चाहूँगी और मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी यहाँ पर। उसके बाद हम पिक्चर्स क्लिक करेंगे थोड़ी सी यहीं पर ही और फिर चले जाएंगे घर और कुछ खाना पीना करेंगे। फिर बस हो गया हमारा आज का बुर्ज खलीफा का टूर तो हो गया। मैं अब इससे खुश हूँ कि हमारा एक घूमने का जो एक जगह थी वो हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा, इतना भी ज़्यादा अच्छा लगा लेकिन हाँ अच्छा था क्योंकि ऊपर का व्यू जो है उससे ज़्यादा अच्छा हम यहाँ से इसको जो देख रहे हैं ना वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है तो आपको जाना चाहिए। और यहाँ पर हमें दिखाऊँ ये टल्ली हो गया, ये देखिए आप नंगे पैर चल रही है, हील तो तू हाथ में पहन के आई है पैरों में नहीं। और यहाँ रात के 2 बज चुके हैं और सारी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी है, पैर कट गए तो मैं नहीं पहन पा रही। ये कैसा जिन का घर लगता है ना, मतलब तुम्हारा हीला हो रहा है। ये सफाई हुई है अभी, ये अपना बंदा इसको स्कूटी चलाने आ गया तो ये चला रहा है मस्त। रात के 2 बजे, रात के 2 बजे ज्यादा ही फन कर रहे हैं गाइस, ज्यादा ही फन कर रहे हैं और यहाँ लग रहा है रात के 2 बजे। यहाँ पे सारे के सारे जो शेख हैं वो सारे अभी कैफे में बैठ के खाना खा रहे हैं, सारे शेख अभी खाना खा रहे हैं यहाँ पे, शेख भी पी रहे हैं। सारे शेख हैं, सब सुनेंगे, सारे शेख अपनी अपनी गर्लफ्रेंड, सारे शेख अपने वाइफ के साथ वो ये स्टंट मैन पी रहे हैं। यहाँ ड्रिंक नहीं करते, कोई भी अल्कोहल अलाउ नहीं है, पी रहे हैं मतलब क्या शेख पी रहे हैं और ना खा पी भी रहे हैं। और हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है तो हम अभी जल्दी से जाकर घर पे खाएंगे। और मेरे पैर में ना चैलेंज कर रही हूँ गाइस एक कि पैर मेरे गंदे होते हैं या नहीं दुबई में। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और हमने पिक्चर्स सारी क्लिक कर ली और आपने देखा है कि मैं चैलेंज कर रही हूँ अपना, जिसमें मैं क्या था जिसमें मैं हील्स नहीं पहन रही हूँ और मैं ऐसे ही चल रही हूँ। और मुझे देखना ये है कि मेरे पैरों में यहाँ पे थोड़ी भी गंदगी लगती है या नहीं और मैं कैसे चल पाती हूँ। ये है डाउनटाउन स्लाइड जो कि मैंने आपको दिखाया था लेकिन हम इसमें अभी तक नहीं गए हैं, पता नहीं कब जाएंगे। और ये मेक्सिको ऑफ विंग्स ऑफ मेक्सिको, इसमें भी नहीं गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है ये छपरी क्योंकि यहाँ पर सारे छपरी छपरी लोग सब है ना, वो सारे भीड़ लगा कर खड़े हुए हैं और उनको ना पिक्चर चाहिए और हम भी उनमें चलने का सोच रहे थे लेकिन मैं तो नहीं गई भाई और हम नहीं गए क्योंकि कितना ही जाएंगे इसलिए हम विंग्स ऑफ मेक्सिको पर पिक्चर नहीं ले पाए क्योंकि यार इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर जितनी देर आप लाइन में लगे रहोगे और खड़े रहोगे जितनी देर तक आप उतना आपको और लोग बढ़ते जाएंगे तो कौन ही करेगा इतना। हम आ चुके हैं बुर्ज खलीफा से अपने घर पे और बुर्ज खलीफा को कर दिया हमने टाटा बाय बाय यहाँ पर से। हमने कहा अब गाइस बहुत गंदी है, हॉटस्पॉट नहीं दे रही, अब हम आपको सिर्फ अब हम मैंने एक मिनट अगर नहीं देगी तो व्लॉग नहीं बनेगा। दे 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 और जब कोई बंदा मेरे सामने इस तरह से हरकत करता है ना मुझे इतनी इरिटेशन, तो मैंने बुर्ज खलीफा को बोल दिया टाटा बाय बाय, अब मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बालकनी से ही देखूंगी। ये इतना शोर मचा रही है ना तो मुझे लग रहा है कहीं नीचे से कंप्लेन ना आ जाए कि ये कौन आपने किसको रख लिया है नीचे वाले रूम से। अब मुझे आ रही इतनी नींद कि मेरी आंख नहीं खुल रही इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करके आपसे बातें कर रही हूँ क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 3 और इंडिया के बज रहे होंगे इस टाइम पे 5 शायद। भैया भूख भी लग रही है, क्या करें, हमने खाना ऑर्डर कर दिया, अपने बर्गर आ रहा है हमारे लिए चल फिर के अपना दूर से और यहाँ पर रात भर आपको खाना मिलता रहता है। और मैं बुर्ज खलीफा का मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ खास हमें इतना ज़्यादा नया एक्सपीरियंस नहीं लगा लेकिन हाँ जितना व्यू बाहर से अच्छा है जो फ्री व्यू है ना वो ज़्यादा बेटर है, अंदर से तो आपको क्या ही इतना ज़्यादा नहीं दिखता है मतलब कि नीचे का, मतलब ठीक है वन टाइम एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है मतलब कर लो तो अच्छा है, अच्छा है ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं था
मतलब ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा और भी कुछ हो सकता था, और बाकी हमें ऊपर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन इतना भी नहीं लगा जहाँ तक मैंने सोचा था। और हम बहुत ऊपर गए थे यार, मतलब कि यहाँ पर 125th तक गए थे हम, उससे ऊपर शायद पता नहीं उससे ऊपर। उसके बाद हमने केक खाया, और मतलब हमारे खाने का तो था वहाँ पर। फिर हम लोग बस थोड़ी देर बाहर हमने टाइम स्पेंड किया, और फिर हम लोग आ गए। हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक किए, तो आप लोग अगर हमारी पिक्चर्स देखने तो आपको देखना होगा हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Samin1142, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लो जल्दी से। और आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो करो, क्योंकि हमारे हो गए वहाँ पे 9 मिलियन फॉलोअर्स। यस गाइस, थैंक यू सो मच। चलो अब हम बस जा रहे हैं चेंज वेंज करने थोड़ा, और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो बस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जल्दी Samin1142 व्लॉग्स। और मैं इतना ज्यादा शोर मचा रही हूँ, मुझे लगता है कोई सुनकर सच में बोलेगा। बस अब मैं पूरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।